आप सभी पढ़ रहे हैं साइंस और क्लास थ्री। ये चैप्टर 1.3 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल स्मॉल एंड बिग। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा बड़े जानवर और छोटे जानवरों के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपके लेग्स एंड टेल्स के बारे में। इसी क्रम में हम लोगों ने आगे पढ़ाई की आपके क्रीप और क्रॉवल और फ्लाई करने वाले एनिमल, जिसमें हम लोग इंसेक्ट हाइड के बारे में जाना और इंसेक्ट्स नेचर जाना। इसमें हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा। बर्ड्स के बाद पढ़ने के बाद से हम लोगों ने फीडर जाना, बर्ड्स के नेस्ट के बारे में जाना, और हम लोगों ने जाना कि बर्ड्स के जो आपके चोंच होते हैं, बीक जो होते हैं, उनके बारे में जाना। फिर आप लोगों ने टास्क के तौर पर डिफरेंट डिफरेंट बीक के फिगर्स, बर्ड्स के फिगर और बर्ड्स के बीक के फिगर भी बनाए, जो है आपका फिगर 1.4.19 में दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर क्लाउज, क्लाउज क्या होते हैं। द क्लाउ इज कर्व्ड हॉर्नी नेल, ठीक है। पंजे जो होते हैं, पंजे वह आपके कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, हॉर्नी होते हैं, उसके नाखून बहुत तेज होते हैं। बर्ड हैव टू फीट, चिड़िया को दो पैर होते हैं। विद फोर टोज, उसमें चार उंगलियां होती हैं ऑन ईच, सभी में, एंड अ क्लॉ ऑन ईच ऑफ टो, तो हर में सब में आपके क्लॉ होते हैं हर एक टो में, ठीक है। इसके बाद आइए, हर एक क्लाव में दो दो में चार चार आपके टो होते हैं, उंगलियां होती हैं पैरों की। फिर आता है बर्ड्स वॉक एंड प्रीच ऑन ट्री, ठीक है। जो चिड़िया है वह पेड़ पे चढ़ सकती है और उस पर चहक सकती है, मैं उस पर जंप लगा सकती है विथ देयर फीट्स, अपने पैरों की मदद से अच्छे खासे डाल को पकड़ के रखती है, ठीक है। उस पर वॉक भी करती है और उसे पकड़ के भी रखती है डाल को, ठीक है। दे यूज देयर क्लॉज टू कैच एंड होल्ड फूड एंड टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने पंजों का इस्तेमाल यह जो चिड़िया होती है वह पकड़ने, भोजन को पकड़ने के लिए और आपके रक्षा करने, दुश्मन से रक्षा करने में भी इस्तेमाल करती हैं। व्हाट आर माइग्रेशन बर्ड, माइग्रेशन बर्ड्स के बारे में आप लोगों को कई क्लासों में जानना है, यहाँ पे अभी आप जाने माइग्रेशन बर्ड्स। सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक, दे फ्लाई टू वार्म प्लेसेस व्हेन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड ड्यू टू कोल्ड वेदर, जब आपके ठंडे इलाकों में, जैसे पृथ्वी जो गोल है तो उसके नॉर्थ पोल में आपकी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब सब जगह मौसम ठंड का आता है, दिसंबर का जो महीना रहता है, ऐसे में साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न फ्लाई करते हैं, वहाँ से वो उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका भोजन नहीं रहता है, और भोजन और अनुकूलता ना होने के चलते वह गर्म इलाकों की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे देश भी आते हैं। दिस मोमेंट ऑफ बर्ड फ्रॉम कोल्ड टू वार्म प्लेसेस एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन, ये आपके ठंड इलाके से गर्म इलाके की तरफ जो मूवमेंट होता है चिड़ियों का, इसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। दे टर्न रिटर्न व्हेन द वेदर बिकम फेवरेबल, जब उनका मौसम अनुकूलित हो जाता है तो वह फिर वापस उड़ करके चले आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस चैप्टर का के अंत वाला जो कीवर्ड है वो कीवर्ड करेंगे, उसका कल क्वेश्चन आंसर होगा। पहला है क्लाइमेट, द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया, मौसम का जो आपका व्यवहार जो होता है या मौसम का जो स्थिति होती है मौसम की, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। इसका आता है लोकेशन, द पावर ऑफ मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। मैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। क्रीपिंग, डेवलपिंग स्लोली एंड स्टीडली,
क्रिपिंग माने होता है धीरे धीरे डेवलपिंग होना, ठीक है, लेकिन लगातार होना। क्रॉलिंग, मूविंग स्लोली ऑन हैंड एंड नीज, मैं धीरे धीरे आपका मूव करना है जो है अपने हाथों द्वारा या अपने घुटनों द्वारा, इसको क्रॉलिंग कहते हैं। ऐप, एप, अ टाइप ऑफ मंकी, ए मंकी विदाउट टेल, बिना पूंछ वाला बंदर को हम लोग ऐप कहते हैं, लंगूर कहते हैं। अगले दिन का जो वीडियो आपका बनेगा वह आपका क्वेश्चन आंसर का बनेगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।